बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं हमारा लॉ और आपके साथ आपका मेज़बान मोहम्मद अनवर बलोच आपकी खिदमत में हाजिर है। जैसे कि आज पाकिस्तान ने पाकिस्तान और पाक भारत इंडिया का और पाकिस्तान का मुकाबला था एशिया कप मर्जिंग का। पाकिस्तान ने क्या ही बैटिंग की है, ज़बरदस्त बैटिंग की है। बैटिंग करते हुए पहले पाकिस्तान ने 352 रन का टारगेट दिया है भारत को। उसके बाद इंडिया की जल्दी जल्दी विकटें जो है पाकिस्तान ने ली है। 312-28 स्कोर पर जो है इंडिया को आउट, ऑल टीम आउट कर दिया है पाकिस्तान ने। कमाल करके 228 स्कोर पर आउट किया है। बॉलिंग, फील्डिंग, बैटिंग में एमरजिंग एशिया कप का जो फाइनल था, मैच खेला जा रहा था, पाकिस्तान ने उमदा खेल पेश किया है। मज़ा आ गया, कमाल मैच किया है। इंडिया को संभलने का मौका नहीं दिया ना पाकिस्तान ने बैटिंग में, ना बॉलिंग में, ना फील्डिंग में। आज कमाल ही लड़कों की बॉडी लैंग्वेज नज़र आ रही थी, जिस तरह वो बैटिंग कर रहे थे, जिस तरह वो बॉलिंग कर रहे थे, जिस बंदे का जो भी रोल था आज उन्होंने ज़बरदस्त जो है वो रोल अदा किया है। ख़ास तौर पे हारिस ने जो बैटिंग की है, कमाल बैटिंग की है। उसके बाद सैम अयूब आए, उनने बड़ी कमाल बैटिंग की है। दीगर लड़के जो भी आज खेले हैं, वसीम जूनियर ने कमाल बॉलिंग का मुजाहरा किया है, फील्डिंग कमाल के कि उन्होंने 2-3 कैच पकड़े हैं, तो उस वजह से पाकिस्तान को जीतने का मौका मिला। पाकिस्तान ने एमरजिंग एशिया कप का जो फाइनल है अपने नाम कर दिया है। इंडिया को चारों खाने चित कर दिया है। पाकिस्तान ने आज कमाल ही बैटिंग, बॉलिंग, और उस मज़ेदार ये बॉल बात थी कि कैप्टनसी जो है बड़ी ज़बरदस्त की है। जो कप्तान थे सैम अयूब, बड़ी कमाल कप्तानी की है कि अपने बैट्समैन को टाइम पे भेजा है, और बॉलर का जो चेंजिंग था वो कमाल, अपने अपने टाइम पे उन्होंने हर एक चीज़ वाजे कर दी है, क्लियर की थी कि मैं आज इसी तरह खेलूंगा। आज उन पाकिस्तानी प्लेयरों की बॉडी लैंग्वेज बड़ी कमाल नज़र आ रही थी फाइनल मैच में। तो इसी तरह हम उम्मीद करते हैं कि बाकी जो आने वाले मैच है, पाकिस्तान बड़ी टीम के सीनियर टीम है जो, वो भी एशिया कप अगले महीने से शुरू हो रहा है, तो कोशिश करेंगे, दुआ यही करेंगे हम कि हमारी टीम जो है बेहतर परफॉर्म करे, आप लोगों तक हमारी जो बात है, प्लेयरों की कारकर्दगी है, वो पहुंचाएंगे। पाकिस्तान ने कैसे आज ज़बरदस्त खेल पेश किया है। तो इसी के साथ अपने मेज़बान मोहम्मद अनवर बलोच को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। देखते रहें हमारा लाहौर।